हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, किस धारा के अंतर्गत यदि कोई कंपनी लाभांश घोषित करने के 30 दिनों के अंदर लाभांश का भुगतान नहीं करती है तो ऐसी दशा में दोषी संचालक को 2 वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये तक प्रतिदिन आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 127 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दंड के लिए उपबंध किस धारा में दिया गया है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 128 का 6 खंड। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, किस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास की सजा पा सकता है या 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। तो किस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 128 के 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कपट के लिए दंड का प्रावधान है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 447। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में जब कोई कंपनी जिसके पास अंश पूंजी है अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करती है तो उसे रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी दाखिल करनी होती है, यह विहित की गई रीति के अनुसार बनाई जाती है, तो यह किस धारा में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 39 का 4 खंड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी भी उल्लंघन के लिए कंपनी पर 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है तथा चूक करने वाले अधिकारी को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माना 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों, यह किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 134 के 8 खंड में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार निदेशक बोर्ड में होने वाली पद रिक्तियों को भरने की शक्ति प्राप्त है। तो किस धारा के अनुसार, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 161। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार किसी निदेशक के साथ कंपनी की संविदा के लिए सहमति देना है। तो 8 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 188। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शोधन क्षमता की घोषणा करना किस धारा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 305।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, समिति को बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लेखा परीक्षा समिति संबंधित है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 177 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, राजनीतिक दान संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 182 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निदेशकों के कर्तव्य संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 166, धारा 166 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, वैश्वासिक बाध्यता संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 166 का दूसरा खंड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंपनी का निदेशक बोर्ड सद्भाव पूर्ण पूर्त और अन्य निधियों को अभिदान कर सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 181 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विशेष कानूनी सुरक्षा संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 463। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, उच्च न्यायालय में अनुतोष के लिए आवेदन संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 463 का दो खंड। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, कार्यों को प्रत्यायोजित ना करने का कर्तव्य संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, धारा 166 का छः खंड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कि निदेशक बोर्ड के अधिवेशन संबंधित है। तो धारा 173 से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कोरम संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 174। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निदेशकों को ऋण संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 185। आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।